टू देखिए, टू नंबर में कह रहा है इंट्रीगेशन कहां से है, जीरो टू फाइव है एक्स प्लस वन का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहां मान लूंगा एफ एक्स को किसको मान लूंगा जी, एक्स प्लस वन। अच्छा, और एनएच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए ना, यानी कि पांच माइनस जीरो, यानी एनएच का वैल्यू क्या आ गया आपका, पांच आ गया। फिर यहां पर लिखूंगा कि जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो हमें ए प्लस आर एच का वैल्यू निकालना होगा ना जी फॉर्मूले में रखने के लिए, तो यहां आ जाएगा ए प्लस आर एच प्लस वन। तो ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू जीरो है, तो चाहो तो यहीं पे रख दो जीरो प्लस आर एच प्लस वन। यहां से रखने से थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये को ढोना नहीं पड़ेगा हमें, आर एच प्लस वन आ जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन निकालना होगा ए से बी, फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए मैंने योग की सीमा के रूप में जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एफ ए प्लस आर एच, समझ गया ना। चलिए अब इसको रख के यहां से निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो हमें निकालना है जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स का, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, इसका वैल्यू क्या है, तो आर एच प्लस वन है, आर एच प्लस वन। चलिए अब इसके बाद अलग अलग यहां पे कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन और यहां पे आर एच प्लस सिग्मा एच, सॉरी अलग अलग लिमिट भी लगा देते हैं साथ में, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा एक स्टेप बच जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, यहां पे वन बचेगा, समझे ना। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ लेके एक बार अलग से लिमिट लगा लिया, फिर इसको इसके साथ वन के साथ लेकर फिर अलग से लिमिट लगा लिया, इससे आसान हो गया थोड़ा सा, है ना, हमारा एक स्टेप बच गया। एच यहां आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन आर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन यहां वन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आपका, एन इन टू एन प्लस वन बाई टू। यहां लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इन टू में इसका हो जाएगा एन, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग एन एच के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच, एक एच यही छोड़ दिया और एक एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन एच प्लस में एच हो जाएगा और बटा में टू, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपका एन एच है, तो एन एच का वैल्यू आपका पांच है ना जी, तो पांच इंटू में पांच प्लस एच का यहाँ जीरो पुट करेंगे, एच टेंस टू जीरो है और बटा में टू प्लस में यहाँ पांच। चलिए तो यहाँ पचास पच्चीस होगा, पच्चीस बटा में दो हो जाएगा, चलिए तो हो जाएगा आपका पच्चीस बटा में दो प्लस पांच, एलसीएम ले लेते हैं तो पच्चीस प्लस दस पैंतीस बटा में दो, पैंतीस बट्टा में दो हमारा यहाँ पे इंट्रीगेशन निकल के आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख